गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.4, जिसमें हम स्टडी करेंगे हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की थ्री टाइप्स, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है? मीन एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशंस की एवरेज। इसका फॉर्मूला जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं, मीन को लिखते हैं हम एक्स बार, इस फॉर्मूला इज समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन समीशन एक्स का मतलब है सभी ऑब्जर्वेशन का सम, और एन हो गया जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो। नाउ मीडियन, मीडियन के नेम से क्लियर होता है कि ये आपकी पूरी जो भी आपका डेटा है, सीरीज है, उसको मिड में से डिवाइड करता है। सो इट डिवाइड्स डेटा इन एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर आपका जो एन है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो ऑड नंबर है, तो मीडियन होता है एन प्लस वन बाई टू टी एच टर्म। और अगर आपका जो एन है वो इवन नंबर है, देन मीडियन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए टी एच टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टी एच टर्म डिवाइड बाई टू। मीन्स एन बाई टू टी एच टर्म एंड एन बाई टू प्लस वन टी एच टर्म का भी एवरेज वो हो जाता है हमारा, अगर मीडियन ऑफ इफ एन इज इवन। नाउ मोड, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो रही है, मीन्स जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो हो जाती है हमारी मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में वो मोड होता है। सो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन की ये सीरीज दे रखी है, और मैंने इन सीरीज को वहाँ पे तो ये जस्ट और मैंने इन सीरीज को वहाँ पे तो ये जस्ट रेंडमली लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है इन सीरीज को। और इस क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज निकालने के लिए बोला है। फर्स्टली मीन निकाला है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। सो मीन मीन्स एक्स बार, समीशन एक्स अपॉन एन, समीशन एक्स मीन्स इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम वो है 28 अपॉन 10, मीन्स अगर इन ऑब्जर्वेशन को काउंट किया जाए तो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन हैं। सो 28 बाई 10 इज 2.8। नाउ मीडियन, मीडियन के लिए हमारे पास टू फार्मूलाज हमने ऊपर पढ़े थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, मीन्स इवन नंबर। सो 10 बाई 2 इज फिफ्थ टर्म एंड 10 बाई 2 प्लस 1 इज सिक्स्थ टर्म बाय 2, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ टर्म बाय 2। सो फिफ्थ और सिक्स टर्म चेकआउट करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपने किसी ऑर्डर में अपनी सीरीज को अरेंज किया हो, आइदर असेंडिंग और आइदर डिसेंडिंग। सो किसी भी ऑर्डर में आपकी सीरीज अरेंज हो, बट रेंडमली जैसे क्वेश्चन में लिखी है वैसे ना हो। सो हम यहाँ से काउंट करेंगे तो आपकी फिफ्थ और सिक्स दोनों ही टर्म्स बनेंगी 3। सो 3 प्लस 3 बाई 2 इज 6 बाई 2, ये कैंसिल आउट हुआ तो आपका आंसर आ गया 3। नाउ मोड, आप देख सकते हैं आपकी इन सीरीज में सबसे ज़्यादा जो नंबर बार बार दिख रहा है आपको, जैसे 0 वन बार आ रहा है, 1 भी वन टाइम आ रहा है, 2 भी वन टाइम आ रहा है, 3 आपका 4 टाइम आ रहा है, 4 2 टाइम्स आ रहा है, 5 वन टाइम। सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड आइटम इज 3। सो आपका मोड है 3। सो इस तरह से हम मीन, मीडियन, मोड निकाल दें तो आपके इस एक्सरसाइज के जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी तरह से खुद से करने हैं। जो कोई आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे